दोस्तों बहुत से लोगों का यहाँ पर कमेंट मैं देखता हूँ, एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि मेरे चैनल पर, मतलब मेरा चैनल जो है उसका मोनेटाइजेशन जो है वो इनेबल नहीं है अभी, ठीक है, अंडर रिव्यू पे पड़ा हुआ है। लेकिन अब वो बोलते हैं कि जब वो अपने चैनल को किसी और डिवाइस पर देखते हैं, अपने किसी फ्रेंड सर्किल में या अपने ही घर के किसी दूसरी डिवाइस पर, तो उनको उनकी वीडियोज़ पर एड्स शो होते मिलते हैं, ठीक है। यानी कि उनका कहना है कि उनका चैनल अंडर रिव्यू में है, लेकिन उनके चैनल जो पर जो भी वीडियो पड़े वो उन वीडियोस पर एड्स शो हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? ये अक्सर कमेंट पढ़ने पर आती है और बहुत तरीके के जवाब इस पे मिलते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं अपने विचार रख रहा हूँ, जो मैंने अध्ययन किया है, जिस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, वो यहाँ पर होप कि आपको जो है काम आएगा। कुछ बातें हैं उनको आप थोड़ा सा नोटिफाई करिएगा। देखिए, सबसे पहला काम तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, ठीक है, आप में से किसी के साथ भी ऐसा अगर हो रहा है कि आपका चैनल तो अंडर रिव्यू पे पड़ा है लेकिन एड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले तो आप अपने चैनल पर जाइएगा और चैनल पर जा करके अपना एनालिस्टिक चेक करिएगा, ठीक है, जहाँ पर मोनेटाइजेशन की सारी रिपोर्ट्स आपको मिलती है कि आपकी जो है मोनेटाइजेशन की रेवेन्यू जो है स्टार्ट हुई या नहीं हुई, तो वहाँ पर आप चेक करिएगा जा करके कि आपके जो है किसी भी वीडियो की एनालिस्टिक रिपोर्ट क्या आ रही है, आपके वहाँ पर रेवेन्यू स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो आई थिंक कि इस कंडीशन में ज़्यादातर लोगों की जो है वो रेवेन्यू स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ कि इसके कारण क्या हो सकते हैं ऐसा होने के, तो उसका कारण बहुत से हो सकता है, लेकिन जो कुछ कारण है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला कारण तो ये हो सकता है कि हो सकता है आपने जितने भी वीडियो अपने डाल रखे हों उस पर कोई ना कोई कॉपीराइट कंटेंट क्लेम आया होगा, आपको स्ट्राइक की बात नहीं कर रहा हूँ, कंटेंट क्लेम आया होगा, हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो। और होता क्या दोस्तों, जब भी कंटेंट क्लेम आता है तो जो उन वीडियो पर आता है जिन पर हम किसी और का भूले भटके ही सही कुछ ना कुछ म्यूज़िक या इमेजेस या कुछ यूज़ कर लेते हैं, कोई भी पार्ट यूज़ कर लेते हैं, तो उन पर कंटेंट क्लेम आ जाता है। अब होता क्या है कि जो ऑनर्स होते हैं, चूँकि उन्होंने यूट्यूब से एक कंटेंट आईडी ले करके रखी होती पहले से ही अपने पास, तो वो लोग अपनी तरफ से भाई यूट्यूब से जब उनकी कोई भी चीज़ आपके वीडियो पे लगी हुई है, तो चूँकि उनके पास ऑलरेडी कंटेंट आईडी है, तो वो लोग खुद से जो है उस चीज़ को मोनेटाइज करा देते हैं, तो केवल आपके उतने ही वीडियोज़ पर जो है, सभी वीडियोज़ पर नहीं आता है, ठीक है, एड्स उन्हीं वीडियोज़ पर आएगा जिस पर आपके कोई किसी और का जो भी कोई भी चीज़ लगी होगी, तो उन पर आपके जो है एड्स शो होने लगते हैं। और ये जो एड्स होते हैं, इनकी जो रेवेन्यू होती है, इनकी जो कमाई होती है, ये ऑलरेडी उनके पास जाती रहती है, और इधर आपको दिखता है कि आपका चैनल अंडर रिव्यू पे पड़ा हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपने चैनल पर जाइएगा और कम्युनिटी पर जाइएगा, ठीक है, वहाँ पर आपको कम्युनिटी एक मिलेगा ऑप्शन, और कम्युनिटी के अंदर आपको जो है एक जगह पर स्पैम मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब स्पैम क्या होता है, हमारे चैनल पर जितने भी जो है कमेंट आई होती हैं, वो अगर मान लीजिए आपके चैनल पर भाई 50 वीडियो पड़े हुए हैं और 250-300 केवल स्पैम पड़ा हुआ है, तो उसको वहाँ से जा करके सबसे पहले आप सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दीजिए, इससे कहीं हद तक जो है आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होती है, ठीक है। लेकिन उन्हीं लोगों की सॉल्व होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट अंडर रिव्यू होते हुए भी जो है मोनेटाइजेशन जिनका ऑन है, मतलब नहीं हो रहा है, ठीक है, या पेंडिंग पे पड़ा हुआ है लंबे समय से, ये उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो ऐड जिनके शो हो रहे हैं, तो उनके लिए तो यही हो सकता है भाई कि या तो थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूट्यूब के पास भाई केसेस इतने पेंडिंग में पड़े होते हैं कि उसको जो है मोनेटाइजेशन तो ऑन हो जाता है, लेकिन मेल करने में टाइम लग जाता है, या उसके जो है पूरी तरीके से जो है चैनल पर इसको अप्लाई करने में टाइम लग जाता है, तो ऐसा भी होता है। तो जो दो कारण है ये वो हो सकते हैं। तो अब आपको ये देखना होगा कि जो है आपको आपके चैनल पर सबसे ज़्यादा जो वीडियोस पड़े हुए हैं उनको दोबारा एक बार रिव्यू करिए जा करके, और उन पर गौर करिए कि आपके किसी भी वीडियोस पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपने किसी और की यूज़ की हो, म्यूज़िक हो या कुछ भी हो ऐसा, तो उसको अगर हो तो अपने उसको आप जा करके जो है प्राइवेट कर दीजिए उस वीडियो को। होता क्या है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो है अंडर रिव्यू पे पड़ा हुआ है, आप सोच रहे हो वॉच टाइम भी मेरा जो है पूरा कर रखा है क्राइटेरिया, लेकिन होता क्या है कि उसको उस वॉच टाइम को नहीं गिना जाता है जिस पर कोई भी कंटेंट क्लेम पड़ा होता है, ठीक है ना।
तो उस वीडियो को जाकर के आप प्राइवेट कर दीजिए और कुछ नए वीडियोस अपलोड करिए और उनका वॉच टाइम बढ़ाइए। आई होप कि जो है आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बहुत जल्दी, और इसमें टाइम नहीं लगता, कोई भी जादू नहीं होता, ये सब जो है एल्गोरिथम के आधार पर चलता है। अगर उसको लगता है कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके वीडियोस पर है, चैनल पर है, तो अंडर रिव्यू नहीं होता है, अंडर रिव्यू पड़ा रहता है, मतलब आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करता वो। लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आपका ऑन हो जाएगा, विशेष बात नहीं होती है कोई भी, और कोई जादू टिप्स नहीं होती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर ज़बरदस्ती कुछ बताया जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। देखते रहिए टेक फॉर नेट। बाय।